गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एलेवेंथ कॉमर्स अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। परचेज रिटर्न तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेल्स। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सेल्स। बेटा सेल्स मीन्स होता है, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। एग्जांपल, इफ तरुण सेल्स है कंप्यूटर टू वरुण, तरुण ने सेल्स किया वरुण को कंप्यूटर सेल्स किया, द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम तरुण टू वरुण एंड तरुण इज एंटाइल टू रिसीव द एग्रीड प्राइस ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम वरुण। तो ये था बेटा सेल्स। सेल्स का मतलब आपने गुड्स जो सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई जेड, किसी को भी आपने गुड्स सोल्ड किया तो वो आपके सेल्स में शो होगा। सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट होता है, सेल्स रिटर्न। जब गुड्स रिटर्न्ड हो जाता है आपके पास, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर जिनको आपने गुड्स सोल्ड किया था वहाँ से वापस रिटर्न हो जाता है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड इसके बाद है बेटा स्टॉक। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फ्रॉम रीसेलिंग एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। टू टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो ईयर के स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और क्लोजिंग या एंडिंग ऑफ द ईयर, वो आपका स्टॉक होगा। फोर्थ है इन्वेंट्री। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फोर टाइप्स।
मैन्युफैक्चरर। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देखो, मैन्युफैक्चर की कंडीशन में इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो माल तैयार करने के लिए लाते हैं, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका हो जाएगा। यानी कि ये स्टॉक में तो केवल स्टॉक इन ट्रेड ही आता है, जबकि इसमें इन्वेंट्री में, तो इन दोनों में डिफरेंस भी यही है। स्टॉक में तो केवल स्टॉक इन ट्रेड, जबकि इन्वेंट्री में मैन्युफैक्चरर का स्टॉक यानी रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और ट्रेडिंग का भी आपका स्टॉक यानी स्टॉक इन ट्रेड भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? स्टॉक में तो केवल स्टॉक ही आता है ट्रेडिंग वाला, जबकि इन्वेंट्री में मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड सारे आ जाएंगे ऑल टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपके बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बोथ डेटर एंड BR, बिल्स रिसीवेबल। इसमें डेटर भी आएंगे और BR भी आ जाएंगे, दोनों इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। इसमें भी सेम है, ये लेना होता है हमें जिनको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स या सर्विसेज रेंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं उनके लिए होता है, जबकि ट्रेड पेबल्स जो है वो हम जिनसे उधार परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं या क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड गेन करते हैं, उस टाइम हमें पेबल करना पड़ता है उनको। ट्रेड पेबल में आपके आता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इसका अपोजिट है ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल। गुड्स, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीनिट टू बी सोल्ड थस ए फॉर ए फर्नीचर डीलर। परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज ए गुड्स
while for other it is furniture and it is termed as an assets. बेटा मान लो कोई फर्नीचर का डीलर है, डीलर, अब ये फर्नीचर परचेज सेल कर रहा है तो इसके लिए गुड्स होगा, इसके लिए फर्नीचर क्या होगा, गुड्स होगा, गुड्स होगा, लेकिन बेटा अदर डीलर के लिए फर्नीचर असेट्स होगी, समझ रहे हो बात। अगर कोई कार का डीलर है, अगर कोई कार का डीलर है तो उसके लिए कार गुड्स होगी, लेकिन अदर के लिए वो कार असेट्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल बी इंक्लूड परचेज प्राइस फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा कॉस्ट में इंक्लूड परचेज प्राइस प्लस फ्राइट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट नेक्स्ट आपका टॉपिक डिस्काउंट। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और ए डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप का होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैलकुलेट कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स इट इज द कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होता है व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट तो होता है सेल इंक्रीज करने है तो, सेल्स इंक्रीमेंट है तो, और ये होता है कैश रिसीव है तो, कैश रिसीव करने के लिए। आफ्टर देन रिबेट। व्हेन रिबेट इट इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउ बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। देखो डिस्काउंट तो जब सेल करते हैं तब देते हैं, और रिबेट होती है बाद में देते हैं, सोल्ड कर दिया उसके बाद में रिबेट। इट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीजन्स अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड।
फॉर एग्जाम्पल रिबेट में भी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वान्टिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बींग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन. जब आपने गुड्स सेल्ड कर दिया, सोल्ड करने के बाद पता चल रहा है कि वो पुअर क्वालिटी का था या उसका जो पर्पज था वो सही नहीं है या गुड्स सही नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पे हम रिबेट दे देते हैं उस पर, तो रिबेट होती है. 26 GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वेट, सर्विस टैक्स, ETC have been merged into a single tax known as GST. GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale. बेटा GST में सारे टैक्स इंक्लूड कर लिए गए हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, वेट है, सर्विस टैक्स है, आदि आदि. ठीक है, इसके बाद में है एंट्री. When a transaction or event is recorded in the books of accounts, it is called entry. जब कोई आपका transactions होता है, कोई event होता है, तो उसको books में हम record करते हैं, तो वो आपके entry होती है. Next है entry के बाद में bad debts. जब हमने goods sold किया credit में, तो आपका डेटर हो गया, डेटर आपका पेमेंट नहीं दे रहा टाइम पे, तो वो बेटा आपका बैड डेब्ट्स होगा. इसे हम बिजनेस लॉस मानते हैं और पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं. अनसोल्ड ऑफ डेटर एज ए बिजनेस लॉस इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेज विच इज नॉट ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट. मान लो जिसकी पोजिशन, ऐसा डेटर जो जिसकी पोजिशन नहीं है पेमेंट करने की, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं. Which is not स्टोर्स. देखो बेटा, स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर्स में डिफरेंस क्या है. स्टॉक इन ट्रेड तो रिसेल के लिए होता है, और स्टोर्स होता है रिसोल के लिए होता, बल्कि कंजप्शन के लिए होता है. कंजप्शन इन द बिजनेस, बिजनेस में कंजप्शन करने के लिए आपका स्टोर्स होता है, जबकि रिसेल के लिए क्या होता है, स्टॉक होता है. रेवेन्यू. रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ ए रिकरिंग रेगुलरी नेचर फ्रॉम एनी सोर्स. इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम
services provide the customers. It is also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. Revenue is related with the day-to-day affairs of the business and should also be regular in nature. As such, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing loan is not revenue. Revenue from operation. Revenue from operation. It is the revenue earned by an enterprise from this operating activities. It includes revenue from sale of goods and revenue from sale of services. Revenue from sale of goods and services. Revenue from operating या trading activities, वो revenue from operation होता है, यानी business से related activities से जो आपका revenue होता है generate, उसे हम क्या कहते हैं, revenue from operating कहते हैं, revenue from operation बोलते हैं। ये goods और services का जो sale करते हैं उससे आता है। टर्नओवर, देखो टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, टोटल सेल्स इन पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो सेल्स होती है उसको टर्नओवर बोलते हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, देखो लाइव स्टॉक क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक। जैसे एनिमल्स हो गए, घरेलू कैटल्स हो गए, हॉर्सेज हो गए, ये सब आपके क्या है, लाइव स्टॉक में आती है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशंस ऑफ अर्निंग ए रिटर्न, रिटर्न अर्निंग ऑफ रिटर्न के लिए हम जो पैसा लगाते हैं कंपनी में वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये बेटा आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका आगे का सिलेबस था, और लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसकी बाकी नेक्स्ट टर्म्स है, कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, ओके।